भोजपुर जिले में कार्यपालक सहायकों के दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले जाने के कारण जिले के सभी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो गया है। कार्यालयों में सहायकों के नहीं रहने से विभागीय कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का दूसरा दिन आज जारी रहा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के नेतृत्व में कार्यपालक सहायक अपनी मांग को लेकर जिला समरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। मौके पर बोलते हुए जिला संरक्षक प्रदीप कुमार ने कहा कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा 5 फरवरी को लिए गए निर्णय वापस करना होगा, जिसके चलते यदि हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है तो 15 मार्च से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि 8 मार्च को कल यानी हमने बताया था कि कल से हम लोगों का सांकेतिक हड़ताल चल रहा है, आज सांकेतिक हड़ताल का दूसरा दिन है। आज अगर सरकार हमारे नौकरी के प्रति जो सही तरीके से अपना हम लोगों का जो मांग है वो पूरा नहीं करती है तो हम लोग आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दे चुके हैं। अगर आज कुछ फैसला नहीं आता है तो 15 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आप लोग का मांग क्या है? मांग ये है कि अभी जितने भी कार्यपालक सहायक हैं उन सभी का HLC जो 2015 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों को अस्थायी करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, तो आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें जो रिपोर्ट आया उसका अभी तक हम लोगों के ऊपर जो उसमें निहित है उस आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। उल्टे ये काम किया जा रहा है कि BPSM जो हमारे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पटना के अंतर्गत हम लोग कार्यरत हैं उनके द्वारा पत्र ये दिया जा रहा है कि आप लोग को बेल्ट्रॉन जो वाह स्रोत है उससे हम लोग को समायोजन कर दिया जाए, जो कि ये बिल्कुल अन्याय है, ये नियम विरुद्ध है। ये जो जिला चयन समिति के स्तर से हम लोग का जो परीक्षा और अन्य प्रक्रिया पूर्ण करके हमारी बहाली ली गई है उसी के अनुरूप आगे भी अनवरत चलता रहे, यही हम लोग का मांग है। अभी भोजपुर जिले में भोजपुर सहित अन्य तमाम जिलों में अभी जितने भी हमारे साथी हैं भोजपुर में करीब 36 कार्यपालक सहायक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे, पिछले 8 वर्षों से कार्यरत थे, लेकिन उनको अभी हटाकर रोड पर ला दिया गया और उनके स्थान पर अन्य जो पंद्रह मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, अन्य आंदोलन कार्यक्रम चलेगा हम लोगों का। प्रदीप कुमार, जिला संरक्षक, बेसा, भोजपुर।